और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 227 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 54 दिनों में 571% एक्टिव केस हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 793 केस मिले। भोपाल में कोरोना के 300 मरीज मिले हैं। जबलपुर में कोरोना से हर 9वें दिन एक मौत हो रही है। तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। और वहीं जबलपुर की खास तौर से अगर बात की जाए तो कोरोना से हर 9वें दिन एक मौत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और अगर बात करें इंदौर भोपाल में तो केस बहुत ज्यादा संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जबलपुर में कोरोना से हर 9वें दिन एक मौत भी हो रही है। यानी कि चिंताजनक स्थिति अब कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो मौत जो होना है कोरोना से वो उसके भी मामले अब जबलपुर में सामने आए। 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और पूरे यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि राजधानी भोपाल की बात करें और इंदौर की बात की जाए तो दोनों जगह ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट की स्थिति ना बन जाए। क्योंकि यदि बीते बातों पर ध्यान दिया जाए तो जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे और इंदौर और भोपाल को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था, तो इसी प्रकार अभी जो स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि इंदौर और भोपाल को हॉटस्पॉट घोषित न कर दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिदिन जो मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और यदि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार प्रदेश सरकार टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर जोर दे रहे हैं। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही वैक्सीनेशन जो अभियान है तीसरे डोज का, बूस्टर डोज का, उसको लेकर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं छेड़ दी है। साथ ही बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो आने वाले अगले महीने से जो मध्य प्रदेश में करीब 600 से ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश जो कोरोना संक्रमण है उसने अपना पैर जो है पसार दिया है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा विवेक जी आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।